हाय फ्रेंड्स, लास्ट टॉपिक जो हमने देखा वो था कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जिसमें हमने कवर किया इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जिसमें हम कवर करेंगे एल्स इफ लैडर जिसे कहते हैं। तो पहला है एल्स इफ लैडर, जिसे हम इफ एल्स इफ एल्स के नाम से भी जाने जाते हैं। अब इसमें जैसा कि यहाँ पे सिंटैक्स दिया गया है, अगर आपके पास बहुत सारी चॉइस है, मतलब एक कंडीशन है तो आप इफ यूज करोगे, फाइन। और अगर एक कंडीशन एक चॉइस है तो इफ स्टेटमेंट, एक कंडीशन दो चॉइसेस हैं, या तो ये तो इफ और एल्स स्टेटमेंट, मतलब इफ एल्स स्टेटमेंट जिसे कहते हैं, फाइन। और अगर आपके पास बहुत सारी कंडीशंस हैं, बहुत सारी चॉइस है, मतलब दो से ज़्यादा कंडीशन है, तो आप क्या करोगे? तब उसके लिए एल्स इफ लैडर या इफ एल्स इफ स्टेटमेंट यूज़ किया जाता है, जिसमें हर इफ के अंदर आप कंडीशंस यूज कर सकते हो। जब तक लास्ट एल्स ना रखे तब तक आप चाहो इतने एल्स इफ रख सकते हो, मल्टीपल, फाइन। तो पहले में चलो आपके पास दो कंडीशन है, तो आपने पहले लिखा इफ और एक कंडीशन, फिर उसके अंदर का स्टेटमेंट, देन एल्स इफ सेकंड कंडीशन और उसके अंदर का स्टेटमेंट। और अगर दो ही कंडीशन है और दो ही स्टेटमेंट है तो आप एंड एल्स से कर सकते हो, लास्ट में लिख दो एल्स इफ। पर आपके पास 6-7 कंडीशन है तो चाहो इतनी कंडीशंस आप एल्स इफ करके ऐड कर सकते हो, लास्ट में एल्स स्टेटमेंट यहाँ पे कंपलसरी है, फाइन। ये शो करता है, प्रूव करता है कि अगर कोई भी कंडीशन आपकी ट्रू नहीं होती है एट द एंड तक, जो लास्ट कंडीशन है उस दौरान भी कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है, तो एल्स वाला पोर्शन तो रन होगा ही होगा, मतलब एनी हाउ एक स्टेटमेंट तो रन होना ही है, या तो इफ वाला, या तो ये एल्स इफ, या तो ये एल्स इफ, या एल्स वाला पार्ट, फाइन। तो यहाँ पे दिया गया है एल्स इफ स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, ये इसका सिंटेक्स है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे ध्यान में रखने हैं जो आपको मालूम होने चाहिए, वो ये है कि अगर आप इफ एक या जीरो, मतलब आप अगर इफ स्टेटमेंट के साथ जीरो या वन एल्स, मतलब पहले हमने देखा इफ और एल्स ही थे, तो आप एल्स यूज करना चाहो तो कर सकते हो, वो जरूरी नहीं होता है पार्ट इफ के साथ। पर अगर एल्स इफ यूज करना चाहते हो तो वो ऑफ कोर्स एल्स वाला पोर्शन एल्स इफ के बाद ही आना चाहिए लास्ट में, एल्स के बाद आप फिर से एल्स इफ नहीं लिख सकते हो, ये कहना चाहता है। और इन बिटवीन अगर आपको कंडीशंस कोई नहीं है तो आप एल्स इफ यूज ना करना चाहो तो भी फाइन, बट अगर एल्स यूज करते हो तो बीच में एल्स इफ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इट डिपेंड्स आपकी कंडीशन कैसी है, फाइन। और अगर आपकी एल्स इफ जो सक्सीड हो जाती है, मतलब एल्स इफ वाला पोर्शन आपने टाइप कर दिया है और उसके बाद कोई पोर्शन नहीं है, तो लास्ट में एल्स तो रखना ही रखना है। और मान लो ये चारों, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा प्रोग्राम है, मान लीजिए अगर यहाँ पे जो प्रोग्राम दिया गया उसमें इफ, एल्स इफ, एल्स इफ और एल्स, इन चारों में से शुरुआत करेगा इफ से, इन फर्स्ट इफ, सेकेंड एल्स इफ, ये थर्ड ये और एल्स ये, स्टार्टिंग से रन होते होते अगर इनमें से कोई भी एक स्टेटमेंट रन हो जाता है तो उसके बाद वाला कभी भी रन नहीं होगा, फाइन। लेट्स सी द एग्जांपल, यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल दिया गया है जिसमें वॉइड मेन इंटीजर ए इक्वल टू 100 वैल्यू दी गई है। अब यहाँ पे मुझे चेक कराना है कि अगर ए की वैल्यू 10 है तो प्रिंट कराओ 10, 20 है तो प्रिंट कराओ 20, 30 है तो 30, और एल्स ये 10, 20, 30 नहीं है कोई भी तो प्रिंट करानी है नन ऑफ दिस वैल्यूज, ओके। अब आप जानते हैं कि हमारे पास ए में वैल्यू है 100, अब इसको रन करेंगे तो वो पहले फर्स्ट इफ से स्टार्ट करेगा, 100 इज इक्वल टू 10, ये डबल इक्वल टू मैच के लिए जाना जाता है, उसकी लेफ्ट वैल्यू और राइट वैल्यू मैच करेंगे, अगर ट्रू होती है, मतलब मैच होती है तो ट्रू आएगा, नहीं होती है तो फॉल्स, तो 100 इज इक्वल टू 10, वी नो कि वो इक्वल नहीं है तो आंसर आएगा फॉल्स, तो फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये इफ वाले पोर्शन में नहीं जाएगा। फिर 100 इज इक्वल टू 20, अगेन फॉल्स, 100 इज इक्वल टू 30, अगेन फॉल्स। अब ये अगर तीनों कंडीशन फॉल्स हो चुकी है तो एज पर थियरी हम जानते हैं कि एल्स में तो उसको जाना ही जाना है, तो प्रिंट करेगा नन ऑफ दिस वैल्यूज और उसके बाद वाला स्टेटमेंट भी जिसमें एक ही वैल्यू प्रिंट होती है, फाइन। अब लेट्स सी द आउटपुट, प्रोग्राम रन करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे कोड टाइप हो चुका है, सिर्फ आपको रन करना है, रन करके हमें सिर्फ चेक करना है कि हमने जो कैलकुलेट किया वो सही है या गलत। हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, देखिए यहाँ पे आंसर है नन ऑफ दी वैल्यू इज मैच, मतलब पहले उसने फर्स्ट कंडीशन इफ की चेक की, फॉल्स हुई, एल्स इफ की, अगेन फॉल्स, थर्ड एल्स इफ जो है यहाँ पे वो भी फॉल्स, उसके बाद जो डायरेक्टली जो एल्स स्टेटमेंट है सिंपल एल्स, वो तो रन होना ही होना है बस, तो वो पोर्शन यहाँ पे रन हो गया नन ऑफ दिस वैल्यूज। अगर हम इसे फिर से रन करके देखें और वैल्यू चेंज करके देखें तो लेट्स सी द आउटपुट, हम एक ही वैल्यू 30 कर देते हैं फॉर एग्जांपल, अब क्या होगा लेट्स सी, पहले ये मैच करेगा 30 नहीं है फॉल्स,
अगेन ये मैच फॉल्स, यहाँ पे मैच होगा। तो जब ये मैच होता है तो ये प्रिंट करके फिर एल्स वाला पोर्शन रन नहीं होगा। याद रखना एल्स इफ लैडर है, मतलब इन सभी में से कोई एक ही रन होना है, इसलिए इन सबको कंडीशनल स्टेटमेंट्स कहते हैं। एक की कंडीशन ट्रू होगी और एक ही स्टेटमेंट, मतलब जो उसके अंदर का जो स्टेटमेंट्स है वो रन होगा, बाकी कोई भी फिर रन नहीं होगा। स्टार्टिंग से लेके अगर बीच में कोई भी रन हो जाता है तो उसी का पोर्शन रन होगा, फिर नेक्स्ट तुरंत वो लूप के बाहर आ जाएगा। फाइन, तो यहाँ पे हम देखेंगे अब इस ये प्रोग्राम को रन करेंगे तो वैल्यू 30 आना चाहिए और ये एंटर वैल्यू ऑफ जो एग्जैक्ट वैल्यू है ए की वो भी 30 प्रिंट होना चाहिए। लेट्स सी द आउटपुट। अब देख सकते हैं, देखिए वैल्यू ऑफ ए इस 30 यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, मतलब ये कंडीशन ट्रू हुई है, उसके बेस पर ये आंसर आया है और एल्स फिर पोर्शन रन नहीं होगा और फिर राइट लाइन करके सिर्फ ए की वैल्यू प्रिंट कराइए। नेक्स्ट है हमारा नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ मतलब नेस्ट मतलब एक के अंदर एक, मतलब अगर आपने इफ कंडीशन यूज़ की है उसके अंदर आप इफ भी यूज़ कर सकते हो, इफ एल्स भी यूज़ कर सकते हो, एल्स इफ लैडर जो हमने देखा वो भी यूज़ कर सकते हो, मतलब किसी भी स्टेटमेंट के अंदर किसी भी स्टेटमेंट का यूज़ हो सकता है। फाइन, ये एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इफ़ के अंदर यहाँ पे फिर से इफ़ किया गया है यूज़, इसलिए हम इसे नेस्टेड इफ़ कहते हैं। फाइन, अगर आप नेस्टेड एल्स इफ भी बोले तो भी हो सकता है, मतलब अगर मान लो इफ एल्स है, इफ एल्स के अंदर भी इफ एल्स यूज़ करना चाहो तो भी हो सकता है। फाइन, यहाँ पे एक एग्जांपल छोटा सा दिया गया है कि इफ़ के अंदर इफ यूज़ किया है। यहाँ पे देखिए दो वेरिएबल्स लिए हैं, ए इक्वल टू 100, बी इक्वल टू 200। यहाँ पे पहले मैच होगा ए की वैल्यू, ऑफ कोर्स ये ट्रू है, मैच हो जाएगी 100 इज इक्वल टू 100 ट्रू। तो अंदर जाएंगे फिर से इफ़ के अंदर जाके चेक करेंगे 200 इज इक्वल टू 200 वो भी ट्रू, अंदर जाके प्रिंट होगा वैल्यू ऑफ ए इज 100 एंड बी इज 200। इट शोज के इफ़ के अंदर भी इफ या तो एल्स इफ या एल्स इफ लैडर चाहो कोई भी स्टेटमेंट आप यूज़ कर सकते हो। फाइन, और उसके बाद ए और बी की वैल्यूज प्रिंट होती है। लेट्स सी द आउटपुट। कोड यहाँ पे रन कर दिया गया है, टाइप हो चुका है, सिर्फ उसको रन करना है। ए की वैल्यू इक्वल टू 100, यहाँ पे मैच होगी, ये भी ट्रू होगा, ये कंडीशन भी ट्रू होगी बिकॉज बी की वैल्यू भी 200 है। मैच होने के बाद अंदर जाके ये आंसर ये प्रिंट होगा स्क्रीन के सामने और ए और की बी की वैल्यू प्रिंट होगी। दिस इज द आउटपुट। लेट्स सी, देखिए वैल्यू ऑफ ए इज 100 और बी इज 200 जो हमने सिंपल प्रिंटिंग करवाया था, और उसके बाद जो ए और बी की वैल्यूज है वो भी यहाँ पे प्रिंट कराई गई है। फाइन, तो इट शो करता है कि इफ के अंदर भी इफ आप यूज कर सकते हो, एल्स इफ लैडर या कोई भी स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हो। सो अब तक हमने देखा कंडीशनल स्टेटमेंट्स में एल्स इफ लैडर, इफ एल्स इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे यूज करते हैं, उसका फ्लो चार्ट क्या है, उसका सिंटेक्स क्या है और उसका एग्जाम्पल देखें। नेक्स्ट टॉपिक हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स में देखेंगे स्विच केस इन सी शार्प। थैंक यू वेरी मच।